मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 20 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बापा दादा बोले, मीठे बच्चे, देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि सत्युग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है, और उत्तर में बाबा समझा रहे हैं कि सत्युग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो, अंदर कोई भी भूत न रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। सेकंड पॉइंट, बाबा कहते हैं, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुरली का गीत है, आज नहीं तो कल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं कि ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वह है परमात्मा और यह है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना, मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित, यह भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहे आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो, वाह यह भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है, शांति तो वहां मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पाठ बजाना है, शांत कैसे रहेंगे, काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है, बाप ने समझाया है। सब कहते हैं निराकार परमात्माय नमः, परमात्मा उनको ही कहा जाता है, वह तो है निराकार। उनको शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माय नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे, उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, बीके को भी कहते हैं मामेकम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो, यह ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब यह शरीर जड़ जड़ी भूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे, सत्युग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसलिए देवाला मार न सके। यहाँ तो देवाला मारते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में हैं, यह कोई को पता नहीं कि यह प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतन वासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है मामेकम याद करो। तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं, मामेकम याद करना है। और जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है
सुखधाम वाया शांतिधाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। भल सत्युग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। सत्युग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वह माया ही नहीं। यह तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया कि एक स्थान पर 6 मास दिन और 6 मास रात होती है, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। यह ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहां उनको यह ज्ञान ही नहीं। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए यह बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वह तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते। वह तो कहते कि स्वर्ग कहां से आया, क्योंकि शास्त्रों में सत्य को भी नरक बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं बच्चे मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ, मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं, भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने में मैं निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पाठ इमर्ज नहीं है, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो जो पाठ ड्रामा में नूंधा हुआ है वह उसी समय बजता है, इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता है तो भक्ति मार्ग में भी किसी को सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहां यह ज्ञान है ही नहीं, ड्रामा में नूंद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सदगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सदगति कैसे देंगे? उनका भी तो पाठ है। और कोई कहते हैं कि बरोबर दुनिया रिपीट रहती है, रिपीट होती रहती है, यह चक्र फिरता रहता है, तो उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। सृष्टि का चक्र है, वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगद अम्बा जगत पिता है। वह संगम के हैं तो मनुष्य ही, भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजा है। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी हैं। अगर किसी को 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए, ऐसा तो होता ही नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगे भी 20 देनी चाहिए। ये सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते हैं कि ये सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं। रोने आदि की बात नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुख धाम है ना, जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉडफादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को भी कैसे याद पड़े, किसको भी पता नहीं है स्वर्ग फिर कब होगा। कह देते हैं कलयुग की अभी 40,000 वर्ष है,
अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है, तुम रोशनी में हो। बाकी जिनको ज्ञान नहीं, वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधेरी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर हैं, यह सृष्टि चक्र के चार भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो पाप नॉलेजफुल है, उनमें जो जो खूबियां हैं वह सब तुमको दान देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो। भल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तो मुझ निराकार को ही करना। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की याद ना रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं तो उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है, जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है। तुमको तो अब ज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो ना सके, उनमें तो यह ज्ञान नहीं है। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश होती नहीं, उनमें जो ज्ञान है वह कभी भी विनाश नहीं होता। इम्प्रेसिबल ड्रामा है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग यह चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो और फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन, सत्युग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं। दूसरे झाड़ बन न सके, चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है। लोग समझते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर है, कोई किसको मानते कोई किसको। बाबा समझाते हैं बच्चे युक्ति से समझाओ। ईश्वर सबका निराकार एक है। गीता में है भगवान उवाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सदगति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सदगति बाप द्वारा ही मिलती है। ये बस उनका बर्थ प्लेस है, सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अभी यह रौरव नरक है। अब बाप कहते हैं हे देहधारी आत्माएं, अब वापस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहां आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसी की याद में शौक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना। हार्ट फेल भी हो जाते हैं, तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए स्थिरम रहना है। पापा कहते कुछ भी हो जाए स्थिरम रहना है, देह का भान न रहे। जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नूंध जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है, रोती तो विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नजर रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरना चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, जिसमें 5 भूत होंगे तो कैसे वर सकेंगे। बहुत मेहनत चाहिए, बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, जरूर कहना पड़ेगा कि वह पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे।
बोलो तुम यहाँ सुनने आए हो व सुनाने। सर्व का सदगति दाता तो एक निराकार है ना, वह कब आकर साकार आकार में नहीं आता, वह कभी भी आकार साकार में नहीं आता है। अच्छा फिर प्रजापिता से क्या संबंध है, वह है साकारी और वह है निराकारी बाबा। हम एक बाप को याद करते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है, इनसे हम राजाई पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है, याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। सेकंड पॉइंट है अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। बाबा ने वरदान दिया निर्माता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। निर्माता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन है विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।